हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ दही वाली कढ़ी की रेसिपी को। यदि आप कढ़ी खाने के शौकीन हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। हमने इस वीडियो में सारे टिप्स और ट्रिक बताए हैं दही वाली कढ़ी को परफेक्ट तरीके से कैसे बनाना है। तो चलिए इस दही वाली कढ़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट किया जाए। इस यम्मी सी कढ़ी को बनाने के लिए हमने 100 ग्राम फेटा हुआ दही ले रखा है। दही में हमने थोड़ा सा पानी डाल करके इसे फेंट लिया है। दही अगर थोड़ी सी खट्टी रहेगी तो कढ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन की मात्रा को अपनी आवश्यकता अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसे हम दही के साथ में मिला लेंगे। हमें इसका एक रनिंग यानी पतला बैटर तैयार करना है। बैटर अभी काफ़ी गाढ़ा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक पतला घोल तैयार करेंगे। हमें इसकी कढ़ी बनानी है इसलिए हमें बैटर को पतला ही रखना है। ये ज़रूरी पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा हुआ है तो जब हम इसे पकाएंगे तो बेसन फूलेगा तो काफ़ी ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें बैटर को यहाँ पर पतला ही बनाना है। बैटर तैयार हो चुका है कढ़ी का, अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। कढ़ी में डालने के लिए अब हमें पकौड़े बनाने हैं तो उसके लिए हमने 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और हम इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमें पतला नहीं बनाना है क्योंकि हम इसके पकौड़े बनाने वाले हैं, इसलिए हम इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। पकौड़े के बैटर को हमें खूब अच्छे से फेंटना है ताकि ये खूब फ्लफी और स्मूथ बनके तैयार हो और पकौड़े फूले फूले बनके तैयार हो सकें। यदि आप चाहें तो इसमें प्याज को भी काट करके डाल सकते हैं। हम इसे बिना प्याज के बनाने वाले हैं और ये बैटर तैयार हो चुका है। जब हम इसे स्पून से गिरा रहे हैं तो इसमें रिबन जैसा बन रहा है, बिल्कुल हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए हमने तेल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर स्पून से डालेंगे और इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। यदि आप चाहें तो ये काम हाथों से भी कर सकते हैं, हम ये काम स्पून से कर रहे हैं। हम इन पकौड़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक करके क्रिस्पी हो सके। और ये पकौड़े अब एक साइड से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें टर्न करेंगे। इन्हें टर्न करने के बाद हम इन्हें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये पकौड़े अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। एक ज़रूरी बात यहाँ पर यह है ध्यान देने के लिए कि आप इन पकौड़ों को फ्राई करते समय बिल्कुल भी जल्दीबाजी में हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करिएगा ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक सकें। और ये लीजिए, लास्ट बैच के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे। इसी कढ़ाई को हम कढ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी कढ़ाई में पर्याप्त तेल है, हमें इसमें एक्स्ट्रा तेल डालने की आवश्यकता नहीं है। तेल गर्म हो गया है, 1 टीस्पून मेथी ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, कुछ फ्रेश करी पत्ते डालेंगे और ये तड़का तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जाएगा। सारे मसालों को हम तड़के के साथ में अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून के तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था कढ़ी बनाने के लिए, इसे हम मसालों के साथ में ऐड कर देंगे। बेसन के घोल को ऐड करते समय आप गैस की फ्लेम को लो पे रखिएगा, तभी घोल को ऐड करिएगा। घोल को ऐड करने के बाद अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। शुरू में आप कढ़ी को छोड़ करके दूसरे काम में मत लगिएगा, नहीं तो ये उबल के बाहर आ जाएगी। और एक ज़रूरी बात ध्यान देने के लिए ये है कि आप कढ़ी को बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत पकाइएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाइएगा। कढ़ी को हम जितना धीमी आंच में पकाएंगे, कढ़ी उतनी ही टेस्टी बनके तैयार होगी। और ये कढ़ी 50% तक पक के तैयार हो चुकी है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है
और इसका रंग भी काफ़ी अच्छा आया है। अब हम कढ़ी में ऐड कर देंगे पकौड़े जो हमने बनाए थे, ताकि ये कढ़ी के साथ में अच्छे से पक के फूल जाएं। पकौड़ों को ऐड करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि पकौड़े अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाएं कढ़ी के साथ में। और ये कढ़ी पक्के तैयार हो चुकी है, काफ़ी थिक हो गई है। अभी ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे नहीं पकाएंगे, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस कढ़ी को और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार करने के लिए हमने तड़का पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, 2 लाल मिर्ची डालेंगे खड़ी, और 1 टीस्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसका इस्तेमाल हमने रंग के लिए किया है तड़के में, और ये तड़का रेडी हो चुका है। अब हम इसे तुरंत कढ़ी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तड़के को कढ़ी में डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे, और ये कढ़ी अब तैयार है सर्व करने के लिए। हम इसे प्लेन राइस के साथ में सर्व कर रहे हैं। आप इसे प्लेन राइस के साथ में खाइए, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लगती है। दही वाली कढ़ी की ये रेसिपी दोस्तों, यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आगे आप कौन सी नई रेसिपी देखना चाहेंगे। और साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।